तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल के बारे में बता रहा हूँ कि गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल हरियाणा में कितनी है। जैसे कि आप देख रहे हैं 26 यहाँ पर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक है और 03 यहाँ पर गवर्नमेंट एडेड पॉलिटेक्निकल है और 11 यहाँ पर गवर्नमेंट सोसाइटी पॉलिटेक्निकल है। बल्कि ये सभी पॉलिटेक्निकल हैं गवर्नमेंट, लेकिन यहाँ पर जो आपको बताया गया 26 पॉलिटेक्निकल, यहाँ पर इसमें आपको सभी ट्रेड देखने को मिलेंगे, जैसे कि मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, कंप्यूटर, यानी कि जितने भी इंजीनियर कोर्स होते हैं। इसके अलावा ये जो पॉलिटेक्निकल हैं आपको इसमें कुछ कुछ जो है ट्रेड वो आपको नहीं मिलेगी। ये सभी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल हैं। अगर मैं बात करूँ तो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल टोटल कितनी है, 26, इसके अलावा 03, इसके अलावा 11, तो टोटल यहाँ पर 40 गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल हैं इन हरियाणा में। एंड वैसे 42 हैं, लेकिन वो वूमेन भी है, लेकिन इसमें आपको वूमेन नहीं बताया गया है, जो कि ओनली वूमेन के लिए हैं। इसके अलावा मैं आपको लिस्ट भी दिखाऊंगा कि कौन कौन सी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल हैं और वो पॉलिटेक्निकल हरियाणा में किस डिस्ट्रिक्ट में बनाई हुई हैं, लोकेशन आपको शेयर करूंगा। इसके अलावा जो प्राइवेट पॉलिटेक्निकल हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हो 147 प्राइवेट पॉलिटेक्निकल हैं, यानी कि यहाँ पर इसमें आपको मैं लिस्ट वाइज बताऊँगा कि कौन सी पॉलिटेक्निकल कहाँ पर है। ये दोस्तों मैं नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ पर ये वेबसाइट बोल रही है, डिपार्टमेंट यानी टेक्निकल एजुकेशन की जो वेबसाइट है उस पर ये सब इन्फॉर्मेशन आप खुद भी देख सकते हो। अब दोस्तों हम लिस्ट की बात करते हैं, तो दोस्तों देखिए यहाँ पर हैं ये गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल, जैसे कि आप देख रहे हैं तो यहाँ पर गवर्नमेंट सभी के सामने लिखा हुआ है, जैसे आप देख रहे हैं ये लिस्ट है। और यहाँ पर जो ये लिस्ट है 42 गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल है, जैसे मैंने आपको वीडियो में बताया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौन से पॉलिटेक्निकल किसके नाम से किस डिस्ट्रिक्ट में है, जैसे कि BKN गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल नारनौल महेंद्रगढ़ में है, चौधरी बंसीलाल गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल भिवानी में है, चौधरी देवी लाल पॉलिटेक्निकल ये आपका नत्थूसरी में है, सिरसा में। तो इसके अलावा मैं बीच बीच में जो आपको बता देता हूँ, अगर मैं ज़्यादा वीडियो बनाऊँगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा सभी के नाम। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल मोरनी पंचकूला, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल अम्बाला में है, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल चीका यानी कैथल में है। तो ये सभी लिस्ट हैं, आप खुद से भी देख सकते हो, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल मानेसर गुरुग्राम में है, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल सिरसा में है, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल सोनीपत में। इसके अलावा दोस्तों किसी किसी डिस्ट्रिक्ट में दो दो पॉलिटेक्निकल हैं गवर्नमेंट, तो ये भी एक आपके लिए एक अच्छा बेनिफिट, अच्छा अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। तो दोनों में आप एडमिशन अगर काउंसलिंग कराते हैं तो ऑफलाइन, या फिर आपने ऑनलाइन तो जा चुकी है तो दोनों में ही फार्म भर सकते हैं, तो किसी न किसी में आपका नंबर पड़ जाएगा। इसके अलावा यमुनानगर में पॉलिटेक्निकल है, रेवाड़ी में भी है, किस नाम से है? आप देख सकते हैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल दमलावास। उसके अलावा दोस्तों इस लिस्ट पर आ जाते हैं, यहाँ पर करनाल में भी है गुरु ब्रह्मानंद, जो कि नीलोखेड़ी में है, इसका बहुत नाम चलता है, टॉप पॉलिटेक्निकल है। कल्पना चावला ये अम्बाला सिटी में है, जैसे मैंने आपको बताया वुमेन के लिए भी पॉलिटेक्निकल है। राजीव गांधी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल नरवाना जींद में है। इसके अलावा दोस्तों यमुनानगर में एक सेठ जयप्रकाश पॉलिटेक्निकल दामला यमुनानगर, यानी कि दोस्तों ये गवर्नमेंट एडिड पॉलिटेक्निकल है, यानी ये आधी प्राइवेट है आधी गवर्नमेंट है। इसके अलावा इंद्री में भी है और फतेहाबाद में भी है, और यहाँ पर यानी कि गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर में भी है, जैसे कि दो दो तीन दिन आ चुकी हैं एक डिस्ट्रिक्ट में। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल उमरी डिस्ट्रिक्ट, यानी कि ये तो अभी रिसेंटली ऐड की गई है, पहले ये पॉलिटेक्निकल नहीं थी, लेकिन जो जैसे मैंने आपको बताया है कि इसमें आपको पूरी ट्रेड नहीं मिलेंगी, इसमें आपको इलेक्ट्रिकल नहीं मिलेंगी, मैकेनिकल मिल सकती है, सिविल मिल सकती है, यानी कुछ ट्रेड ऐसी जो इसके अंदर नहीं है, बाकी है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल। तो अब हमने बात की है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल की, अब हम बात करेंगे प्राइवेट पॉलिटेक्निकल की कि कौन सी पॉलिटेक्निकल कहां पर है, वो भी आप लिस्ट एक बार जरूर देख लीजिए। अगर आपका गवर्नमेंट नंबर नहीं पड़ा तो आप प्राइवेट से भी पॉलिटेक्निकल कर सकते हो, अगर आपका इच्छा है करने की पॉलिटेक्निकल। देन गाइस अब आ चुकी है प्राइवेट पॉलिटेक्निकल्स की लिस्ट, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये यहाँ पर है आपकी अम्बाला में, तो अम्बाला में यहाँ पर है, और यहाँ पर आप ट्रेड वाइज भी देख सकते हैं कि यहाँ पर सीट कितनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक सिविल और मैकेनिकल एडमिशन सीट कितनी है, और यहाँ पर ये पड़ता है डिस्ट्रिक्ट अम्बाला में, तो मैं वन बाय वन आप बड़े आराम से देख सकते हैं। इसके अलावा ये भी अम्बाला में पड़ता है, ये भी अम्बाला में पड़ता है, यानी कि प्राइवेट जो पॉलिटेक्निकल है एक डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी ज़्यादा हैं। उसके बाद थोड़ा सा मैं आप इसे ओपन कर लेता हूँ। अब दोस्तों आगे फतेहाबाद में सिर्फ एक ही पॉलिटेक्निकल है, यहाँ पर मैकेनिकल और सिविल है। गुरुग्राम यानी गुड़गांव या फिर गुरुग्राम में आप देख सकते हैं यहाँ पर एक, और यहाँ पर दो टैगोर के नाम से हैं, तीन यहाँ पर पॉलिटेक्निकल हैं।
इसके अलावा दोस्तों आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी सभी ट्रेड। उसके बाद ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है और मैं बड़े आराम से इसको मैनेज करता हूँ ताकि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। दीनदयाल ये भी आप देख सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों ये यहाँ पर सभी गुरुग्राम की मैं आपको बता रहा हूँ। अब चलते हैं दोस्तों हिसार में। हिसार में दोस्तों आप देख सकते हैं एक और दो पॉलिटेक्निकल हैं और इनमें सभी में आप ट्रेड देख सकते हैं। सिविल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, मैकेनिकल इंजीनियर, पार्ट टाइम, यानी कि पार्ट टाइम इसका मतलब वहाँ पर नॉन अटेंडिंग भी है लेकिन 00 सीट है। इसके अलावा दोस्तों झज्जर में आप देख सकते हो, झज्जर में दो पॉलिटेक्निकल हैं, दो से तीन पॉलिटेक्निकल हैं। आप वीडियो रोक कर देख सकते हो, तीन से चार पॉलिटेक्निकल हैं। ये देखिए यहाँ पर ये झज्जर में है। अब जींद में पॉलिटेक्निकल देख सकते हैं किस नाम से, PDM इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर टेक्नोलॉजी। और यहाँ पर आप सीट देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको किस ट्रेड में आपको एडमिशन चाहिए। ये सभी टॉप ट्रेड होती हैं जो कि पॉलिटेक्निकल में होती हैं, प्राइवेट में वो टॉप पॉलिटेक्निकल सीट्स वो निकालते हैं। उसके बाद ये जिंद की है सारी जितनी आप देख रहे हैं, इस नाम से है। उसके बाद ये कैथल के नाम से है, कैथल में सिर्फ एक ही पॉलिटेक्निकल हरियाणा में जो कि प्राइवेट है। करनाल में भी यहाँ पर एक दो और दो दो तीन तीन पॉलिटेक्निकल हैं। और कुरुक्षेत्रा में यहाँ पर हैं एक दो तीन, आप देख सकते हैं पॉलिटेक्निक एजुकेशन के नाम से है, ज्ञान गंगा के नाम से है, श्री कृष्णा के नाम से है, सेठ के नाम से है। उसके अलावा मंदरगढ़ में है आप एक दो तीन पॉलिटेक्निकल हैं, यहाँ पर चार पांच पॉलिटेक्निकल हैं। मेवात में भी आप देख सकते हैं किस नाम से पॉलिटेक्निकल है। पंचकुला में देख सकते हैं आप लाला बिरखा राम कॉलेज के नाम से है, स्वामी देवी दयाल के नाम से है, श्री राम के नाम से है। पलवल में यहाँ पर एक दो पॉलिटेक्निकल हैं और ये आप बड़े आराम से वीडियो पोज करके देख सकते हैं। मैं धीरे धीरे ऊपर करता रहूँगा, अगर मैं वीडियो में बताऊँगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और आप वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि आपको शॉर्ट वीडियो में ज़्यादा जानकारी आपको मिलती रहे। तो वन बाय वन आप देख सकते हो और 147, 150 यहाँ पर पॉलिटेक्निकल आपको देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर यही पॉलिटेक्निकल हैं जो मैंने आपको टोटल यहाँ पर दिखाई हैं, लेकिन इसमें आपको कुछ कम दिखाया गया है। अभी जो अपडेट है यहाँ पर वो नहीं दिया गया है, लेकिन 147 से यहाँ पर हैं। लेकिन जो कुछ पॉलिटेक्निकल हैं वो प्राइवेट भी हैं जो कि ओनली वुमेन के लिए हैं, तो काफ़ी जो पॉलिटेक्निकल हैं वो बंद भी हो चुके हैं प्राइवेट, लेकिन उनका नाम यहाँ पर शो नहीं है। जो अभी एक्टिवेट हैं उनका ही नाम यहाँ पर आपको दिखाया गया है। तो ये सभी पॉलिटेक्निकल लिस्ट हैं प्राइवेट और गवर्नमेंट की जो मैंने आपको इस वीडियो में बताई है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद है, वीडियो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। अगर दोस्तों आप हमारे YouTube चैनल पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।